Hello student, we are doing chapter 6 lines and angles. Today we will do theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. बेटा जो दो लाइना इंटरसैक्ट कर दिया ने, ते उन दे विच जिहड़े एंगल बनते ने, वर्टिकली ओपोजिट जिहड़े एंगल होंगे ने वो इक्वल होंगे ने. ठीक है, देखो सब तो पहला तो असं फिगर देखेंगे. देर आर टू लाइनस ए बी एंड सी डी. ठीक है, टू लाइनस इंटरसैक्ट कर रही ने पॉइंट ओ दे उपर. ठीक है बेटा, देखो वर्टिकली ओपोजिट लाइन दीज आर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी. ए वर्टिकली ओपोजिट ने, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी वर्टिकली ओपोजिट ने. ठीक है, असं इंट्रोडक्शन पार्ट च कर चुके हैं, हुण इत्थे असीं प्रूव करके दिखाना है कि इक्वल क्यों ने. ठीक है बेटा, सब तो पहला देखो गिवन की है, टू लाइनस गिवन ने अपन, इन्हों नाम देता ए ए बी एंड सी डी. ठीक है, और इंटरसैक्ट कर रही ने पॉइंट ओ दे उपर. तो प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी. ठीक है बेटा, असं प्रूव करा. सब तो पहला तो तुम लो ऑन लाइन ए बी, ए बी बेटा ए बी लाइन के उपर नीचे भी एंगल बन रहे हैं तो उपर भी बन रहे हैं. ठीक है, सब तो पहला आप नीचे वाले एंगल देख लीए, ओन एंगल ए बी लाइन ए बी सॉरी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी की कर रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं. देखो ठीक है, मेकिंग अ लीनियर पेयर. ठीक है, और हम असी एक सी डी लाइन लवेंगे. ठीक है, और सी डी लाइन के उपर एंगल बन रहे ने ऑन लाइन सी डी. ठीक है, सी डी लाइन के उपर देखो एंगल बन रहे ने एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी. कोई भी बेटा कि नहीं लीनियर पेयर बना रहे ने ना, देख रहे हो तुसी इन्हों का भी लीनियर पेयर बन रहा है. ठीक है, पहला ए बी लाइन के उपर देखो लीनियर पेयर बन रहा सीगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इजिकल टू 180 डिग्री. ठीक है, हुण लाइन सी डी है, लीनियर पेयर बन रहा उपर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री. ठीक है, असं इतने लिखा एल पी. हम देखो दोनों ही 180 के बराबर है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू. फ्रॉम वन एंड टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी. ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर ने, लीनियर पेयर बना रहे थे, इस करके दोनों एंगल इक्वल हो गए. ठीक है, हम तुम देख सकते बेटा एंगल ए ओ डी दूसरी साइड पर भी एंगल ए ओ डी है. ठीक है, इस करके एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी माइनस एंगल ए ओ डी. ठीक है, देखो ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए. एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. ठीक है बेटा, साडा फर्स्ट देखो सीगा प्रूफ जिहड़ा करना सी एंगल ए ओ सी इजिकल टू एंगल बी ओ डी. ठीक है, तुसी इन्हां नूं अगे कर सकते हो, बी ओ डी नूं पहलां भी लिख सकते हो एंगल नूं और बाद विच वी. ठीक है, ये साडा फर्स्ट प्रूफ हो गया. दैन असी करांगे सैकेंड, हुण असी फिर असी लाइन बेटा ए बी ही लैनी है ऑन लाइन ए बी. ठीक है, पहला असी बेटा नीचे वाले एंगल ले सी, हुण असी की करांगे ए बी दे उपर वाले लाइन लवेंगे एंगल लवेंगे. ठीक है, हुण एंगल जिहड़े बन रहे ने लाइन ए बी दे उपर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
BOC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए भी लीनियर पेयर बना रहे ने, इतने सी लीनियर पेयर नू शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे LP। उस तो बाद बेटा फिर असी लवेंगे लाइन CD, सॉरी बेटा, यस ऑन लाइन CD। हुण CD दे उपर असी सेम एंगल ही लैके चलांगे, जो असी पहला भी बेटा इदां कीता सीगा, CD दे उपर वाले एंगल ले, इधर वाली साइड दे एंगल ले सी, हुण भी यही एंगल लेने असी, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर बना रहे ने, ठीक है। इतने असी देवांगे 3 इक्वेशन स्टेटमेंट, और इतने करांगे असी 4 इक्वेशन, ठीक है, नेमिंग कर लिया करो, थोड़ा इजी हो जाता है। फ्रॉम 3 एंड 4 बेटा इन्होंने इक्वल करो, क्योंकि देखो ये भी 180 है दोनों, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ठीक है। हुण देखो दोनों दे विच कॉमन की एंगल AOC है, इन्हें एक साइड ते लै जाओ, C इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC माइनस एंगल AOC, ठीक है, दोनों कैंसल हो गए बेटा, साड़ी कोल की बच गया एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये साडा सीगा सैकेंड प्रूफ जिहड़ा सी करना सीगा, देखो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है बेटा। इसी साड़ी थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड।